हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 5-6 ईयर बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाना सिखा रहे हैं, टॉप एंड शॉर्ट पैंट। इसके लिए हमने 1.5 मीटर क्लॉथ लिया है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक बैक साइड का हमने पीस ले लिया है, जिसकी लेंथ 18 इंच है और चौड़ाई में ये 16 इंच है। अब हम इसको ऐसे डबल करके रख लेते हैं। ये सिर्फ बैक साइड का पीस है, ये हमारा फ्रंट साइड का पीस है। इसकी लेंथ भी 18 इंच है और चौड़ाई में 17 इंच है। फ्रेंड्स, एक इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है, क्योंकि इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे, उसमें डिज़ाइन में एक इंच हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक चला जाएगा। अब फ्रंट का बैक का पीस हम फ्रंट पीस के ऊपर रख लेते हैं। जो हमारा बड़ा पीस है उसको हमें नीचे की साइड पर रखना है, और जो ऊपर का पीस है उससे हमें मिलाकर शोल्डर 5.5 इंच की चौड़ाई का लेना है, और आर्म होल की लेंथ हमें यहाँ पर 6 इंच लेनी है। यहाँ से हम चकोर कर लेते हैं, आर्म होल में गोलाई कर देते हैं, शोल्डर पर से हम हल्का सा ढालदार निशान लगा देते हैं। नेक की चौड़ाई हमें 2 इंच रखनी है, और लेंथ में हमें इसको 1.5 इंच रख लाना है। अब इसमें ऐसे करते हुए हम गोलाई कर लेते हैं। यहाँ से 1 इंच का हम इसमें निशान लगा लेते हैं, और तिरछा करते हुए इस निशान को नीचे तक हमें यहाँ से मिला देना है। अब नीचे की साइड से हमें इस पर आधा इंच की ऐसे करते हुए गोलाई कर देनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ्रंट पीस हमारा चौड़ाई में 1 इंच ज़्यादा है, और बैक पीस चौड़ाई में 1 इंच कम है। बाकी लेंथ दोनों की सेम है। शोल्डर पर से भी हम हल्का सा ढालदार कटिंग कर देते हैं, लेकिन नेक हमें इसका कटिंग नहीं करना है। नेक को हमें पीस को अलग उठाकर तब नेक हमें इसका कटिंग करना है। नेक हमें कटिंग कर लिया है। अब यहाँ से हम सेम इतना ही नेक अपने फ्रंट पीस में भी कटिंग कर लेते हैं। यह 1 इंच चौड़ाई में ज़्यादा है, इसलिए हमने एक साथ नेक नहीं कटिंग किए थे, क्योंकि नहीं तो हमारा इसमें नेक ज़्यादा हो जाता। अब ये हमारा बैक पीस है, इसमें हम 3 इंच का पीछे की साइड से कट कर लेते हैं। ये 2 और 3 इंच की यहाँ पर हमने स्ट्रिप ली है, इसको बीच से 3 इंच हम कट कर लेते हैं, और यहाँ पर रखकर हमें इसको लगाना है। अब ये देखिए, शोल्डर हमारा 3.5 इंच है टोटल, तो यहाँ से 1.5 इंच पर नेक की साइड से हम इसमें निशान कर लगा लेते हैं, और इसमें ऐसे करते हुए हल्की सी गोलाई देते हुए बिल्कुल नीचे तक हमें इसको मिला लेना है। ये निशान गोलाई वाला हमारा लग गया है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये अंगरखा स्टाइल टॉप है, जो कि बनकर बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हमारा कट गया है। अब इस जगह से हम दोनों शोल्डर अपने एक साथ मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमने कटिंग की हुई है, ये हार्ट साइड की तरफ हमें अंगरखा स्टाइल करना है। अब ये देखिए, सेम नीचे की साइड से इतना ही फैब्रिक हमें रख लेना है, बाकी एक्स्ट्रा को हमें कट कर देना है। ये पीस हमारा इस तरीके से यहाँ पर हमें इसमें रख कर लगाना है। ये हमने 5 फट्टियाँ ली हैं, जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच है, और लेंथ में ये 41 इंच या 42, जितनी भी आपकी कपड़े की चौड़ाई है आप इतना ही इसको ले सकते हैं। 2 पट्टियाँ हमने शॉर्ट पैंट के लिए ली हैं, और 3 पट्टियाँ हमने टॉप के लिए ली हैं। इसको एक साइड से फोल्ड करना है, और एक साइड में चुन्नट डाल देनी है। ये हमने 1 इंच की चौड़ाई की पाइपिंग ली है, ये शॉर्ट के लिए हमने फैब्रिक लिया है, जिसकी लेंथ 12 इंच है और चौड़ाई में ये 20 इंच है। 2 फैब्रिक यहाँ पर हमने लिए हैं। अब हम इसको डबल कर लेते हैं। 4 लेयर यहाँ पर हमारी हो गई हैं। आसन की चौड़ाई हमें इसकी 1.5 इंच रखनी है, और लेंथ में हमें इसको 10 इंच रखना है। ऐसे करते हुए हम इसमें सीधा निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर आसन में हम गोलाई कर देते हैं। इस जगह से 1 इंच का हम ऐसे निशान लगा लेते हैं, और इसको तिरछा करते हुए मिला लेते हैं। यहाँ से इलास्टिक के लिए लगाने के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है, नेफा फोल्ड करने के लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
आप देख सकते हैं दोनों पीस यहाँ पर हमारे कट कर तैयार हो गए हैं। इस जगह भी हम 1.5 इंच का ऐसे ही निशान लगा लेते हैं। अगर हम निशान लगाते हैं तो हमारा ऊपर से बिल्कुल बराबर मुड़ता है, कहीं से कम या ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए हम इसमें निशान लगा लेते हैं। ये हमारा शॉर्ट के लिए फ्रिल है। सबसे पहले हम अपने फ्रिल को फोल्ड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो फ्रिल हमने यहाँ पर लिए हुए हैं, 5 फ्रिल हमने लिए हैं, 3 टॉप के लिए और 2 उसी के साथ हमने शॉर्ट के लिए लिए थे। ये देखिए, घेरे को हमें फ्रिल को अपने ऐसे फोल्ड कर लेना है। सभी फ्रिल हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें बारीक बारीक सी चुन्नटें डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से भी चुन्नटें डाल सकती हैं या धागे की चुन्नटें भी डाल सकती हैं, या जिस तरह की आपको अच्छी लगती हो ऐसी चुन्नटें आप डाल लीजिए। दोनों फ्रिल में हमने चुन्नटें डालकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर शॉर्ट के नीचे के घेरे पर हम इसको रख लेते हैं और इस पर सिलाई लगा देते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से हमें इसका कट कर देना है। फ्रिल हमारी लगकर तैयार हो गई है। अब इसका सभी फैब्रिक शॉर्ट की साइड को कर लेना है और इसके ऊपर किनारे पर हमें एक सिलाई लगा देनी है, जिससे ये बहुत अच्छी तरीके से फ्रिल सेट हो जाता है। ये देखिए, फ्रिल यहाँ पर हमने लगा दिया है। दूसरे मोहरी में भी हमें ऐसे ही फ्रिल को लगा देना है। अब यहाँ पर हम अपने दोनों आसन मिला लेते हैं और इस पर 2 सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, आसन में हमें हमेशा 2 सिलाई लगानी चाहिए, जिसे पहनने के बाद बेबी के ये खुलता नहीं है। इस साइड के आसन में भी हमें ऐसे ही 2 सिलाई लगा देनी है। अब हम अपने नेफे को फोल्ड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप नेफे को लास्टिक से माप कर भी इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। एक साइड से हमें इसमें 2 इंच के करीब छोड़ देना है अंदर की साइड को लास्टिक डालने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर 17 इंच की लास्टिक हमने ली है। अब खुले हुए हिस्से में को हम इसको अंदर की साइड को इसके डाल देते हैं और दूसरी साइड को हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम लास्टिक को एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं और यहाँ से 2 से 3 सिलाई इसके ऊपर लगा देते हैं, ताकि ये नेफे के अंदर जाकर खुले नहीं। खींचकर खुले हुए हिस्से को हम इसमें सिलाई लगा देते हैं। अब एक बार हम इसको खींचकर फोल्ड कर लेते हैं और लास्टिक के बीच में एक सिलाई लगा देते हैं। फ्रेंड्स, लास्टिक के बीच में ये सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे बेबी के लास्टिक पहनने के बाद मुड़ती नहीं है। अब नीचे का आसन हमने मिला लिया है। आसन पर भी हमें यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है। एक सिलाई हमने लगा दी है, एक सिलाई हम और लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, शॉर्ट पैंट हमारी कितनी प्यारी सी बनकर तैयार हो गई है। अब हम टॉप का बैक नेक तैयार कर लेते हैं। पट्टी को यहाँ पर हमें ऐसे रखना है और दूसरी साइड से भी इस पर सिलाई लगा लेनी है। बीच में हम हल्का सा एक कट लगा लेते हैं और सभी फैब्रिक इसके नीचे की साइड को करते हुए इसके ऊपर किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम सब तरफ से इसको फोल्ड कर लेते हैं और इसके ऊपर किनारे पर एक सिलाई लगाकर नेक को अपने तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम अपना फ्रंट पीस तैयार करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पीस को सबसे पहले हम नेक जितना हमने काटा हुआ है उससे मिलाकर डबल कर लेते हैं। उसके बाद 2 इंच नेक हम इसका निशान और लगा लेते हैं। 1.5 इंच नेक हमने कटिंग किया हुआ है और 2 इंच हम और कटिंग कर लेते हैं। टोटल नेक हमें इसका 3.5 इंच का बनाना है
अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपने पीस को ऐसे करते हुए रख लेते हैं और यहाँ पर साइड में सिलाई लगा देते हैं। आप पीस को ऊपर से थोड़ा सा आर्म होल के पास से छोड़ते हुए सिलाई लगा दीजिए। अब इस साइड से भी हमें ऐसे ही सिलाई इस पर लगा देनी है। दोनों पीस यहाँ पर ये हमने बैक पीस के साथ अपने जोड़ लिए हैं। ये देखिए दोनों पीस यहाँ पर हमने जोड़ लिए हैं। हमारे पीस जुड़कर कुछ इस तरीके से बैठ गए हैं। अब ये जो हमारी फ्रिल है उसकी किनारी हम काट देते हैं और यहाँ से फ्रिल को अपने जोड़ लेते हैं। दूसरा फ्रिल भी हमने अपना ऐसे ही जोड़ लेना है। थ्री फ्रिल में हमने चुन्नट डालकर तैयार करना है। इसको हमने एक साइड से फोल्ड कर दिया है और एक साइड में इसके हम प्लेट्स डाल लेते हैं। प्लेट्स डालकर यहाँ पर अपने फ्रिल को हमने तैयार कर लिया है। अब इसका एक साइड से फ्रिल हमें फोल्ड कर लेना है। ये देखिए फ्रिल को यहाँ से हमने फोल्ड कर दिया है। अब ये यहाँ पर रखकर हमें इसमें लगाना है। थोड़ा सा हिस्सा हमारा इसका शोल्डर की सिलाई में जाएगा तो थोड़ा सा हिस्सा हम ऊपर की साइड से इसका छोड़ देते हैं। उसके बाद हमें इसमें फ्रिल लगाना है। फ्रिल को सेट करते हुए चारों तरफ हम इसमें फ्रिल को अपने लगा लेते हैं। एक साइड से फ्रिल हमें लगाना है और दूसरी साइड तक लगाकर इसको हमें तैयार करना है। फ्रेंड्स, इसी तरह की काफ़ी प्यारी प्यारी सी ड्रेसेस डिज़ाइन और फ्रॉक डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें ऐसे करते हुए इसका कट कर देना है। फ्रिल हमारा लगकर तैयार हो गया है। अब हमारे इसके नीचे की साइड का सभी फैब्रिक टॉप की साइड को कर देना है और इसके ऊपर किनारे पर एक सिलाई हमें लगा देनी है, जिससे फ्रिल हमारा बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। आप देख सकते हैं फ्रिल हमारा कितना प्यारा सा लगकर तैयार हो गया है। अब हमें इसको यहाँ से डबल कर लेना है। दोनों सिलाई हमें ऐसे करते हुए मिला लेनी है। यहाँ तक हमें इसके सिलाई लगा लेनी है। ऐसे हम थोड़ा सा फैब्रिक इस फ्रिल के नीचे की साइड को करते हुए इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। धीरे धीरे से करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई को लगा लेना है और नीचे का पीस हमारा इससे निकलना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, इस तरह की ड्रेसेस आप बहुत कम पैसों में और बहुत कम फैब्रिक में घर पर बना सकती हैं। ये रेडीमेड स्टाइल है जो कि पहनकर बेबी के बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमने लगा लिया है। नीचे की साइड से पक्का करते हुए इसको हमने फ्रिल को अपने लगा लिया है। अब हम इसको उल्टा कर लेते हैं। शोल्डर पर हम सिलाई लगा लेते हैं, दोनों शोल्डर एक साथ जोड़कर। फ्रंट शोल्डर पर भी हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए, जिससे हम आर्म होल में या नेक पाइपिंग लगाते हैं तो ये साइड से खुलती नहीं है। एक सिलाई हम इसके ऊपर और लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर दोनों सिलाई हमारी लगकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, अब हम इसके दोनों शोल्डर मिला लेते हैं। नीचे की चौड़ाई इसकी बिल्कुल बराबर आई है, कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं है। सिर्फ शोल्डर की चौड़ाई इसकी हमें थोड़ी सी काटकर बराबर करनी है, जिससे हमारे दोनों पीस बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने शोल्डर को काट लिया है। आप चाहे तो इसके गोलाई में भी नेक की और आर्म होल की पाइपिंग लगा सकते हैं, नहीं तो साइड से थोड़ा सा हिस्सा इसका खोल लीजिए।
ये देखिए थोड़ा सा हिस्सा हमने यहाँ पर खोल लिया है। अब ये रेब की पाइपिंग हमने ली है जिसको हम आर्म होल पर लगा रहे हैं। पाइपिंग को हमें बहुत ढीला ढीला छोड़ते हुए लगाना है, कहीं से भी खींचना नहीं है। और बिल्कुल बराबर हमें पाइपिंग की अंदर की साइड की सिलाई लेनी चाहिए। ये देखिए पाइपिंग यहाँ पर हमारी लग गई है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देते हैं और इसमें हल्के हल्के से हम कट लगा लेते हैं जिससे हमारा फैब्रिक पलटने में परेशानी नहीं होती है। ये देखिए यहाँ पर आर्म होल में हमारे पाइपिंग लग गई है। अब हम इसको डबल करते हुए फोल्ड कर लेते हैं और इसके ऊपर किनारे पर एक सिलाई हम लगा लेते हैं। फ्रेंड्स इस तरीके से आप पट्टी लगाएंगी तो आपकी पट्टी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो जाएगी। सिलाई लगाकर हम अपनी पट्टी को डबल करते हुए किनारे पर भी सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी पट्टी सिलाई लगकर तैयार हो गई है। अब हम इसको, अगर आपका अंदर की साइड का फैब्रिक बचा हुआ है तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट दीजिए, और अगर थोड़ा सा फैब्रिक है तो इसको ऐसे करते हुए फोल्ड कर दीजिए। ये हमारी फाइनल सिलाई इसके ऊपर लगकर आर्म होल की पट्टी हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कितनी प्यारी सी हमारी पट्टी लगकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से साइड से खोलते हुए हमें दूसरे आर्म होल पर भी सिलाई लगा देनी है, पाइपिंग अपनी लगा देनी है, और नेक पर भी पाइपिंग को अपनी लगा देना है। फ्रेंड्स यहाँ से आर्म होल पर पट्टी लगाने के बाद हमें इसमें साइड का ये खुला हुआ हिस्सा बंद कर देना है। ये देखिए ये हिस्सा हमने बंद कर दिया है। अब यहाँ पर भी हम पट्टी लगाकर तैयार कर लेते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना प्यारा सा ये हमारा टॉप बनकर तैयार हो गया है। अंगरखा स्टाइल का ये बहुत ही प्यारा सा टॉप बन गया है। इसके साथ ये शॉर्ट पैंट भी बनकर तैयार हो गई है। फुल ड्रेस ये हमारी यहाँ पर बन गई है, अंगरखा स्टाइल का बेबी टॉप और शॉर्ट पैंट। फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।